This is lecture number 6 on the topic expenditure method under national income. So let us start with this particular topic related to expenditure method. See, basically, मैंने जैसे पहले बताया, how many methods are there? There are 3 methods for calculation of your national income. One is expenditure, second is your income, and then next is your particularly value-added method. कितने methods? अपने पास हैं 3 methods. पहला expenditure, second is your income, and third is value-added. अब expenditure word से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम income calculation किसके basis पे करेंगे? On the basis of expenditure. Now you can see expenditure method को 3 name से denote किया जाता है. फर्स्ट तो एक्सपेंडिचर है ही, सेकेंडली व्हाट नेम इज गिवन टू द एक्सपेंडिचर मेथड इज इनकम डिस्पोजेबल मेथड. व्हाई इट इज नोन एज इनकम? बिकॉज इनकम डिस्पोजेबल, बिकॉज जितनी आपने इनकम करी है, अर्न करी है, उसको कहीं ना कहीं आप डिस्पोज करोगे. सो दैट इज डिस्पोज इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ओनली. एंड लास्ट वन इज कंजम्पशन मेथड. सो हियर आर द 3 अदर 2 नेम्स. एक्सपेंडिचर मेथड तो है ही, अगर आ जाएगी आपको इनकम डिस्पोजेबल मेथड तो घबराना मत. इट इज जस्ट लाइक सेम दैट एक्सपेंडिचर मेथड और इट इज आल्सो नोन एज कंजम्पशन मेथड. नाउ लेट अस फोकस ऑन द मेथड कि एक्सपेंडिचर निकालते कैसे. सबसे पहला तो खुद की फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड में हम कंसीडर क्या करेंगे. अब एक चीज करना, अभी जो फॉर्मूला समझाऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड का, उन सारे फॉर्मूले को जब आप ऐड करोगे, मतलब जो उसके अंदर आप आइटम्स कंसीडर करोगे, जब सारे आइटम्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा ना, वो बनेगा जीडीपी एट एमपी. और ये वन ऑफ द एग्रीगेट है नेशनल इनकम का. और अगर हम जीडीपी एट एमपी तक पहुंच जाते हैं तो अपने को एनएनपी एट एफसी तक कैसे जाना है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है. सो इन दिस लेक्चर यू हैव टू ओनली रीच टिल जीडीपी एट एमपी. इसके बाद वाला काम आपको आता ही है कि जीडीपी से अपने को एनएनपी एट एफसी तक कैसे जाना है. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स इन एन इकोनॉमी. अब देखना कितने कितने सेक्टर्स कवर हो गए. कंज्यूमर सेक्टर कवर हो गया, दूसरा फर्म्स कवर होगी मतलब प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट कवर होगी, और लास्ट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. याद आ रहा है मैंने 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बताया था? यस सर. कौन कौन से 4 सेक्टर्स थे? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर, एक क्या था आपका फर्म्स, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज योर थर्ड. ओके, 2 सेक्टर डायग्राम भी समझा था अपने, रियल फ्लो मनी फ्लो के अंदर, और तीसरा आपका गवर्नमेंट, और लास्ट आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब ये देखो चारों के चारों एक्सपेंडिचर करते हैं. कैसे करते हैं यू विल अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग स्लाइड कि हाउ दीज 4 आर डूइंग एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दीज 4 आर डूइंग द एक्सपेंडिचर. सबसे पहले तो आपको ये देखना है, सबसे पहला स्टेप 1, यू हैव टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स जो फाइनल एक्सपेंडिचर करती हैं. मैंने बोला कि चारों के चारों आएंगी, देखना इसमें चारों के चारों सेक्टर्स आए हैं. फर्स्ट वन इज हाउसहोल्ड सेक्टर, सेकेंड इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर, थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर, एंड फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. अब ये कैसे अपना एक्सपेंडिचर करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. सबसे पहला क्लासिफिकेशन करो. आपको फाइनल एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन करा, हाउसहोल्ड सेक्टर का जो होता है ना बेटा, वो आता है हमेशा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से. क्वेश्चन में किस नाम से देखेगा कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना है. प्रोड्यूसर्स का जो होगा ना, वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के नाम से तो आ सकता है, पर दूसरा किस नाम से आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. चारों सेक्टर ही कंसीडर कर रहा हूँ, पर चारों सेक्टर का नाम डायरेक्टली नहीं देते हुए वो ऐसे दे देते हैं कि हाउसहोल्ड का याद करना है सर ये, बिकॉज दीज आर दी कंपोनेंट्स. अभी जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा ऋषिका, दैट हाउ दीज कंपोनेंट्स विल हेल्प यू. अब इसमें आगे भी याद है ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है और एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा आई विल टेल यू. फिर आ गया गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होता है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है. फिर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट मतलब यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला रहता है आपका,
दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स. क्या फॉर्मूला रहेगा इसमें? इट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स. क्या होगा फॉर्मूला इसमें? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का हुआ. ये क्लियर हो गया? मतलब हम चारों सेक्टर, कौन कौन से चारों सेक्टर हो गए? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है. अब ये चारों के नाम बस डिफरेंट हो गए. क्वेश्चन में इसका आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से, इसका आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से, इसका आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से, और इसका आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट के नाम से. अब इन चारों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी. आई बात समझ में? मतलब हम सब चार एलिमेंट्स, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड के ये बेटा ये चार एलिमेंट्स हैं. आपको ये चार एलिमेंट्स ढूंढने होंगे. अगर नहीं मिलता है, सपोज एक एलिमेंट नहीं, मान लो कि नेट एक्सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको आप जीरो मानोगे, पर फॉर्मूले में स्टेट करना पड़ेगा. ठीक है, व्हेनेवर यू राइट द एक्सपेंडिचर फॉर्मूला, आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन. डायरेक्ट नहीं लिख सकते सर, हाउसहोल्ड सेक्टर प्लस प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर, बिकॉज़ इन क्वेश्चन दे हैव मेंशन लाइक दिस वे. ऋषिका, क्वेश्चन में कभी भी सीबीएसई में वो सेक्टर वाइज नहीं दिया होता है, इट इज मेंशनड विद दीस टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा आगे, आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व. आज तो सिर्फ थ्योरी समझो. अब देखो इसमें सबसे पहले क्या बोला कि फर्स्ट आइटम जो है आपका, फर्स्ट आइटम कौन सा? दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे? इसके अंदर वो चीजें हैं, दैट इज मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउसहोल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन फॉर करंट यूज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. अब ये अलग अलग से दिया नहीं रहेगा, ये ऑलरेडी आपको इसी हेडिंग के अंदर आएगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज. आपको ये हेडिंग ही दी जाएगी, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये वाले ऐसे पूरा इतना डिटेल में नहीं देते. ओके, सो हियर इट इज कंज्यूमर सर्विसेज, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. मतलब जितना भी कंज्यूमर ने परचेजिंग में अपना इन्वेस्ट करा है, दैट इज वॉट, दैट इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दूसरा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो प्रोड्यूसर सेक्टर था उसके अंदर क्या क्या चीजें. हाँ, ये हमेशा याद रखना, कभी कभार इसका क्या होता है कि इसके आपको सब पार्ट पूछते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे. पहला हो गया बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अपन ने 11th क्लास में समझा है कैसे निकालते हैं, और लास्ट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट. बाकी सब चीजों को इतना गौर से मत देखना, इसमें चेंज इन स्टॉक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं वो लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अगर वर्ड फिक्स्ड आ गया तो इसमें आपको चेंज इन स्टॉक प्लस करना पड़ेगा, तो जाके आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. मतलब फिक्स्ड से इस वाले पे जाने के लिए आपको चेंज इन स्टॉक क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा. आई बात समझ में? अभी ऐसे अलग अलग नहीं देंगे, वो हमेशा इसी हेडिंग का यूज करेंगे, पर कभी कभार जैसे मैंने सीबीएसई के पैटर्न्स में देखा है, तो उसमें ये देखा है कभी कभार वो दे देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें स्टॉक का इंक्लूड नहीं करा है, तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो जाके वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा. ठीक है, आगे जाके एक नोट भी आएगा इसके अंदर रिलेटेड विद दिस. जैसे यहाँ पे देखो मैंने मेंशन करा है ग्रॉस डोमेस्टिक में फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एंड योर पब्लिक इन्वेस्टमेंट. तो ये सारी चीजें तो हमको कंसिडर करनी पड़ेंगी, लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से वो बहुत कुछ चेंजेस करवाते हैं. नाउ मूविंग फर्दर, जैसे यहाँ पे मैंने बोला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस नाम से आता है जी, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट परचेज इन डोमेस्टिक मार्केट एंड परचेज फ्रॉम अब्रॉड. अब याद रखना ये शॉर्ट फॉर्म्स में आगे पूछूंगा कि कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म्स पूछे थे, एक इनके शॉर्ट फॉर्म्स हर एक में साथ में, आई विल राइट द शॉर्ट फॉर्म एट द एंड ऑल्सो. ओके, नेट एक्सपोर्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है एक्स माइनस एम, दैट इज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. एक्स मतलब एक्सपोर्ट एंड एम माइनस इम्पोर्ट, तो ये अलग से भी दे सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्टली दिया गया नेट एक्सपोर्ट तो हमको नेट एक्सपोर्ट प्लस करने. कभी कभार क्वेश्चन में आते हैं नेट इंपोर्ट्स, तो अगर एक्सपोर्ट प्लस होगा तो इंपोर्ट्स क्या होंगे?
माइनस माइनस, तो अगर नेट एक्सपोर्ट दिया है तो मैं प्लस करूंगा और नेट इम्पोर्ट दिया है तो मैं माइनस करूंगा। पर याद रखना ये वही वाला क्वेश्चन है, अगर नेट आ गया जैसे हमने एन फीफा और फीफा देखा था, तो अगर मेरे पास एक्सपोर्ट दिया हुआ है और एक्सपोर्ट के साथ में नेट एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है तो मैं क्या कंसिडर करूंगा? नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, मुझे एक्सपोर्ट फिर कंसिडर नहीं करना है। वही अगर मेरे पास एक्सपोर्ट दिया हुआ है और मेरे को अब दिया हुआ है नेट इम्पोर्ट, अभी भी क्या कंसिडर करूंगा? नेट इम्पोर्ट, नेट इम्पोर्ट, क्योंकि वर्ड नेट इज यूज विद दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। नाउ मूविंग फर्दर, अब इसके बाद जैसे अपन ये आ गए फोर एलिमेंट्स पे आ गए, तो अपने को कन्वर्ट कैसे करना है? जैसे अभी मैं शॉर्ट फॉर्म पहले समझा दूं, तो इसको बोला जाता है जीडीपी एट एम इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर करता है, जी प्लस एक्स माइनस एम। ये इक्वेशन याद रखना, सी इज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, G is government expenditure और X minus M मतलब क्या हो गया मेरा export minus import। तो ये equation है expenditure method की। अब तुमको GDP at MP दिया हुआ है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे चार element वापस खोल दिए, GDP at MP से अपने ये चारों element जोड़ दिए। अब इसमें से C क्या है? Private final consumption expenditure is your C, gross domestic capital formation is your I, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है तुम्हारा जी, और नेट एक्सपोर्ट किससे रिफ्लेक्ट करते हैं एक्स माइनस एम। तो अगर इन चारों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अभी बताया जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, अब मुझे कहां पहुंचना है? एनएनपी एट एफसी। अब लगाओ दिमाग, अगर एनएनपी एट एफसी तक पहुंचना है तो मुझे सबसे पहले क्या माइनस करना पड़ेगा? चलो एमपी से एफसी, एन आइडिया करते हैं अपन। सर पहले ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, उससे कर लेते हैं, दैट विल आल्सो, दैट विल आल्सो वर्क आउट। पर यहां पे उन्होंने उल्टा दिया, कोई इशू नहीं, अपन एमपी से एफसी देख लें। तो बेटा अभी डिवाइड कर लें, एमपी से एफसी एनआईटी का इफेक्ट माइनस एनआईटी, फिर उसके बाद इन्होंने दे दिया डीपी टू एनपी, एन फीफा क्या करेंगे अपन? प्लस एन फीफा, फीफा प्लस करेंगे, और लास्ट जो तू बोल रही है ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे अपन माइनस। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर अपने को क्या देखना है, अपने को ये चारों एलिमेंट्स ढूंढने हैं। ये चार एलिमेंट्स मिल गए ना, अगर कोई एलिमेंट नहीं भी मिलता है तो वो जीरो मान लेना, पर ये चारों की कोशिश पूरी करना कि ये चारों मिलेंगे ही। अगर क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल का है तो ये चारों एलिमेंट्स आपको क्वेश्चन के अंदर दिखेंगे ही दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आगे क्वेश्चन में ये सारे अपन ने क्या कर दिए, इसका इफेक्ट तो अपन ने देख ही लिया, जैसे एनआईटी लेस होगा, NFIFA add होगा, और depreciation क्या होगा? Less. तो आज I am keeping up till this only. Today we have only understood the components of expenditure method. What are the components? Sir, एक second back, इससे पहले वाली slide करना. हाँ, just a second. This is the slide for converting it from GDP at MP to NNP at FC. So today we have only understood the theory of expenditure method. अभी तक अपन ने एक्सपेंडिचर मेथड की पहले थ्योरी समझेंगे, फिर एक्सपेंडिचर मेथड के अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे आफ्टर सम लेक्चर। अभी भी इसमें थ्योरी कुछ बची हुई है, सपोज प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए आपको, देयर आर अदर थ्योरी, व्हाट इज द पर्टिकुलर चेंजेस व्हिच कैन हैपन इन जीडीपी एट एमपी टू एनएनपी एट एफसी। तो आज सिर्फ अपन ने समझा देट आर हाउ मेनी एलिमेंट्स, देट आर फोर एलिमेंट्स। ओके, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द सेशन। Thank you for watching. For more videos, do subscribe my YouTube channel. Okay, now students, so आज मैं भी whiteboard पे दिखा लेता हूँ, आपने एक बार आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि आज अपन ने क्या क्या समझा। Whiteboard सबको visible है? हाँ sir. Okay, now today we have understood the expenditure method. एक्सपेंडिचर मेथड के चार एलिमेंट्स, दैट इज सी आई जी एंड एक्स माइनस एम। सी क्या है, टेल मी व्हाट इज सी? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। उसके बाद आई क्या है आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच इज डन बाय प्रोड्यूसर सेक्टर। जी क्या है आपका? गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्प्शन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सीधा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपन लिख सकते हैं. एक्स माइनस एम क्या हो गया अपना, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. ये अपने चार एलिमेंट्स हो गए. इन चारों को ऐड करूंगा, व्हेन आई विल ऐड ऑल दीज फोर एलिमेंट्स, मेरा आंसर क्या बनेगा, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी तक मैं पहुंच गया, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी. सर जीडीपी एट एमपी एट लिख के नहीं डिनोट करेंगे ना, जैसे आपने लिखा है वैसे. तो या फिर आप एमपी को शॉर्ट में भी लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस. अब जीडीपी एट एमपी से मुझे पहुंचना है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन पे, तो मैं एनएनपी एट एफसी लिख लिया. अब एनएनपी एट एफसी तक अब कंप्लीट होगा ना सर ये क्वेश्चन, एनएनपी एट एफसी तक. सी क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कभी कभार क्वेश्चन डिमांड करता है डोमेस्टिक इनकम और कभी कभार क्वेश्चन डिमांड करता है नेशनल इनकम. तो अगर डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो वो हो जाएगा एनडीपी एट एफसी, और अगर नेशनल इनकम पे जाना है तो वो हो जाता है एनएनपी. मतलब एन फीफा ऐड नहीं करते. अब अभी फ्लोचार्ट समझा दूंगा. अगर मुझे जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी जाना है तो ग्रॉस से नेट गया तो डेप्रिसिएशन माइनस, डीपी से एनपी गया तो एन फीफा प्लस, ओके, एंड एमपी से एफसी गया तो एनआईटी माइनस. ठीक है, अब इसका अगर ये तो हो गया मुझे नेशनल इनकम. नाउ इफ द क्वेश्चन अराइजेस दैट अब मुझे पर्टिकुलरली क्या करना है, अब मुझे जीडीपी एट एमपी से आई हैव टू गो टू डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम का शॉर्ट फॉर्म हो गया एनडीपी एट एफसी. अब तुम इसे डिवाइड करो, ग्रॉस से नेट क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस. डीपी टू डीपी कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं, क्योंकि हम डोमेस्टिक मतलब यहाँ पे एन फीफा का कोई भी रोल नहीं है क्योंकि हमने डोमेस्टिक इनकम बोली है. और एमपी से एफसी क्या करते हैं अपन, माइनस एनआईटी, बस इसमें सिर्फ यही डिफरेंस आ जाएगा कि अपने को एनफीफा का रोल क्या करना है, खत्म. चलो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर.